कोरोना संक्रमण के चलते देश और प्रदेश में लॉकडाउन है। तीसरा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद चौथा शुरू हो गया है, जिसमें सरकार की ओर से आंशिक राहत भी दी जा रही है, लेकिन गरीब, असहाय और बेरोजगारों के सामने खाने की समस्या बरकरार है। ऐसे में सरकार, संस्थाएं और समाजसेवी जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। जयपुर में जगह जगह समाजसेवी अपने स्तर पर खाना बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि संकट के समय कोई भूखा न सोए। कोरोना संक्रमण के दौरान चल रहे लॉकडाउन में तीसरा लॉकडाउन समाप्त हो चुका है और अब चौथा लॉकडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में आम लोगों के सामने खाने की समस्याएं बड़ी समस्या हो चुकी है। ऐसे में कई सामाजिक कार्यकर्ता और जो संस्थाएं हैं जो उन जरूरतमंदों को खाने की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवा रही है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ सामाजिक जो लोग हैं, जो समाजसेवी हैं, वो अपने ही इनकी क्षेत्र जगह पर, अपनी लोकल जगह पर जो खाने की जो तमाम चीज़ें हैं वो बनाते हैं और जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। जिस तरह से आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं जो लगातार कोरोना संक्रमण की जो महामारी चल रही है, इस दौरान आम जनता को किसी तरह की समस्या नहीं हो, इसके लिए जो खाना बनाते हैं और उन लोगों तक पहुँचाए। हमारे साथ भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी मौजूद है, वो भी यहाँ पर आए हैं। किस तरह से इनकी देखते हो जो लोग लॉकडाउन के दौरान अपने खाने की समस्याएं हो रही है, ऐसे में उनको कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाजसेवी हैं वो सामने आ रहे हैं, किस तरह से उनका धन्यवाद? क्योंकि मैं कह सकता हूं कि एक भयंकर महामारी से मानवता लड़ रही है। इसकी कोई ना तो राज्य की सीमा है, ना देश की सीमा है। सारी दुनिया में आज कोरोना का संकट है और बड़े बड़े देश जो अपने आप को कहते थे कि सारी दुनिया हमारे हिसाब से चलती है, वो इसके सामने पस्त नज़र आ रहे हैं। भारत में जिस प्रकार की व्यवस्था हुई, उन व्यवस्थाओं के कारण इसका असर बहुत कम हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि समस्या समाप्त हुई है, दरवाजे पर खड़ी हुई है। इसके लिए सावधानी इलाज है, जहाँ केंद्र सरकार ने और राज्य की सरकारों ने भी अपनी तरफ से कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे उनकी व्यवस्था करने का काम किया, लेकिन शायद केवल राज्य के ऊपर, सरकारों के ऊपर भरोसे छोड़ते तो यह अपर्याप्त होता और बड़ी संख्या में लोग भूख के कारण मरने की स्थिति आ जाती। ये समाज में जो भामाशाह हैं, समाज सेवक हैं, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, इन सब संगठनों के लोगों ने इन 60 दिन के दौर में नियमित लोगों का पेट भरने का काम किया है। अपने घर में शायद रोटी 2 टाइम नहीं खाई होगी, लेकिन इन घरों में खाना पहुँच जाए इसको सुनिश्चित करने का काम किया। इस कारण से हम 60 दिन के इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड को बड़े सहजता के रूप में निकाल पाए। अगर ये भामाशाह और समाज सेवक नहीं होते तो बड़े पैमाने पर लोग कोरोना से कम मरते, लेकिन भूख के कारण ज़्यादा मरते और शायद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राजस्थान में खड़ी हो जाती। यहाँ समाज सेवी है, उनसे बात करें किस तरह से आपने खाना बना रहे हो और लोगों तक पहुँचाने का काम किस तरह से कर रहे हो? भाई साहब, मैं कोई समाज सेवी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक व्यापारी हूँ जिसको ये लगता है कि यदि आज इतनी जनता हमारी परेशान है, गरीब के पास खाने के लिए नहीं है, वो पैदल निकल रहा है अपने गाँवों की तरफ, पूरे आप देखें पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरीके से तराई तराई मच रही है, तो हमें ये लगा कि यदि हम इसके लिए कुछ हल्का सा भी कंट्रीब्यूट करें तो शायद अपना जीवन सफल हो जाएगा। ये सोच के परिवार में बात करी, परिवार का बहुत साथ मिला हमारे को, वाइफ का, मदर का, फादर का, बेटे का, सिस्टर का, बेटी का, सबका ये रहता है कि नहीं, आप जितना कर सकते हो करो, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। देखिए क्या होता है, मॉरल सपोर्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब फाइनेंशियली कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मॉरली यदि आपको बूस्टअप मिलता है फैमिली का, दोस्तों का, सबका, तो आपको लगता है नहीं यार ये कर गुजरना चाहिए। मुझे नहीं लगता है ज़िंदगी में ऐसे मौके आएंगे, आने भी नहीं चाहिए, लेकिन जब यदि ऐसी विपदा आ गई है आज यदि किसी के ऊपर, तो हमारा मॉरल बनता है कि हम वो सेवा करें उसके लिए। आप यहाँ पे खाना बनवाते हो और फिर वितरित करवाने का काम करते हो? ऐसे खाना देखिए पूरी टीम लगी हुई बनाने के लिए, प्लस क्या है कि जो लोकल पुलिस वाले हैं, 4 थाने वाले यहाँ जुड़े हुए हैं, तो वो दिन में 3 बार आके खाना ले जाते हैं, चारों तरफ जहाँ जहाँ उनको लगता है कि लोग भूखे हैं उनको बांट देते हैं, प्लस करीब 250 लोग यहाँ भी आते हैं खाना लेने के लिए। इसके अलावा जितना सूखा किसी को रिक्वायरमेंट है तो पूरा पैकेट बना रखा है हमने, जिसके अंदर आटा, दाल, चावल, मिर्ची, नमक, तेल, चीनी, चाय, ये सारे पैकेट्स भी बना रखे हैं। जितने पैकेट रोज़ की ज़रूरत है उतने पैकेट आ जाते हैं, उतने पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसमें हम ये नहीं पूछते हैं कि कौन आया कौन नहीं आया, गाड़ियों में रखा देते हैं पुलिस वालों के, जहाँ मिले वहीं आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फैक्ट्रीज़ के अंदर रखा दिए गेट पे, जिसको देना है देते रहो, कोई हिसाब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जितना कर सकते हैं मानवता के लिए शायद हमें करना चाहिए। मैं भी अपने बंधुओं से भी यही कहूँगा कि देखिए आज भगवान ने सामर्थ्य बनाया है तो क्यों न इसका लाभ उठाया जाए, क्यों न किसी दीन दुखी की सेवा करी जाए।
इस उद्देश्य से आगे बढ़े हैं। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को खाना उपलब्ध करवाने के लिए इसी तरह जो तमाम सहयोग का साथ लेने के लेते हुए परिवारजनों का साथ लेते हुए लोगों तक खाना पहुंचाने का यह काम किया जा रहा है। ऐसे बहुत से शहर में समाजसेवी हैं जो जरूरतमंदों तक इस तरह से खाने पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर से कैमरामैन विजय गिरी के साथ में लोकेश ओला A1 TV।